हे माय लव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको अपनी बियर्ड को किस तरह से ग्रो करना है जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जिनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी पैची बियर्ड्स हैं या उनकी बियर्ड अच्छे से नहीं आती हैं। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपको बियर्ड जल्द से जल्द जो है अच्छी बियर्ड मिल जाए, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था। 2-3 महीने पहले की बात है कि मेरे बियर्ड खुद बहुत ज़्यादा पैची थे, तो मैंने जो है जो नुस्खे अपनाए हैं, जो नेचुरल तरीका मैंने अपनाया है इस बियर्ड को बढ़ाने का, वो अब मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में, क्योंकि बियर्ड लुक अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो जो सबसे पहला स्टेप है गाइज, वो है कीप क्लीन योर फेस। आपकी अपने फेस को क्लीन रखना होगा, क्योंकि जहाँ पे भी हेयर ग्रोथ की बात होती है ना, चाहे वो आपका स्कैल्प हो या फिर आपकी बियर्ड हो, बियर्ड के हेयर हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने फेस को या अपने स्कैल्प को क्लीन रखना है, ताकि ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जो है आपका फेस ग्रहण कर पाए। आपके स्किन की ऊपरी त्वचा अगर अच्छे से ऑक्सीजन ले पाएगी, तो ऑब्वियसली वो आपके जो बियर्ड है उनको बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इसके लिए आप सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप एक दिन भर में जो है 2 बार कम से कम फेस वॉश करें, और हर अल्टरनेट डेज पे आप स्क्रब कर ले, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है। दूसरा जो पॉइंट है गाइस, वो है आपकी डाइट प्लान, क्योंकि आपकी डाइट प्लान में जितना ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन रहेगा, जितना ज़्यादा प्रोटीन आप खाओगे, उतनी बेहतर तरीके से आपके हेयर की ग्रोथ होगी, या फिर आपके सर के बाल हो या फिर आपकी बियर्ड हो। तो थोड़ा सा आप उसमें प्रोटीन जरूर ऐड करें। बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन अगर है तो वो नॉन वेज खा सकते हैं, क्योंकि नॉन वेज में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। एग्स आप खाएँ, और हो सके तो आप थोड़ा फिश ऑयल की जो ओमेगा 3 की जो टैबलेट्स मिलती हैं, अगर वो एक दो आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। गाइज, होम मेड रेमेडी के लिए आपको क्या करना है कि एक बॉल लेना है, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा, एक या दो वाइटामिन ई की कैप्सूल और उसमें कैस्टर ऑयल को मिक्स करके आप अपने बियर्ड या फेस के एरिया में, जहाँ पे आपके पैची बियर्ड है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, उसको लगा सकते हो। इससे आपकी बियर्ड की ग्रोथ रियली बहुत जल्दी इन्हेंस होती है, बहुत जल्दी इंक्रीज होती है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है ये वाला फॉर्मूला। और पता है मुझे ना, सिर्फ मैं कहूँगा 1 से 2 हफ्ते में इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि मेरी बियर्ड जो है ब्लैक कलर की नहीं थी, मेरी बियर्ड जो है हल्की ब्राउन आती थी, तो मैं थोड़ा परेशान रहता था उससे। तो अभी मैंने ये जो नुस्खे होममेड रेमेडी जो यूज़ की ना, तो उससे मेरे बियर्ड के जो कलर है वो बिल्कुल से ब्लैक हो गए नेचुरली तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है। और इस मार्केट में जितने बियर्ड ग्रोथ के जो ऑयल मिलते हैं, जैसे बियर्डो है या और भी बहुत सारे ऑयल हैं, मैं उतना स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूँगा इसे गाइज, एज़ कम्पेयर टू नेचुरल जो तरीके हैं उनके, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप ये बियर्डो जो ऑयल है वो आप अपने फेस में लगा रहे हो, तो इससे कलर कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कम हो जाता है। मैंने ये देखा है मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो यूज़ करते हैं, और अभी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, समर का टाइम है, तो आप को वो जो है एक तरह से इरिटेशन भी लगता है कि आपके फेस पे ऑयल लगा हो। लेकिन ये जो कैस्टर ऑयल और विटामिन ई और जो एलोवेरा है, वो आपके कलर कम्प्लेक्शन को भी इंक्रीज करता है गाइस। अभी सबसे कारगर और सबसे आखिरी तरीका, जो मेरे हिसाब से उनके लिए सबसे बेहतर ये तरीका है, जिनकी पैची बियर्ड है, जिनकी बियर्ड थोड़ी कहीं पे आती है कहीं पे नहीं आती, उनके लिए ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, वो है डर्मा रोलर, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपके हेयर ग्रोथ के लिए। जो डर्मा रोलर है, ये बेसिकली हेयर ग्रोथ के लिए ही बहुत ही ज़्यादा जो है फायदेमंद है। मैं हमेशा इसे रिकमेंड करता हूँ, चाहे वो आपके सर के बाल हो या आपके बियर्ड हो, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फायदा देते हैं ये। तो इसे करना क्या है, आपको इसे छोटे छोटे पॉकेट्स बना के आपको यूज़ करने हैं, जैसे आपकी यहाँ पे जो पैची बियर्ड है, तो आपको इस तरह से 1 2 3 4 5 यूज़ करना है, देन 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, इस तरह से जो है आपको स्ट्रेट और डायगनली यूज़ करना है जहाँ पे आपकी पैची बियर्ड है। और अगर आप इसे अपने चिक्स पे भी यूज़ करते हो, तो ये आपको और ज़्यादा फायदा ही देंगी, इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, और आपकी त्वचा जो है टाइट होगी, यंग दिखेगी, स्किन जो है शाइनिंग करेगी। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं इस डर्मा रोलर के। लेकिन मेक श्योर गाइज, इसको यूज़ करने का थोड़ा सा आपको जो है सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे निडल्स हैं जो गड़ते नहीं है बेसिकली, लेकिन वो जो है आपके जो फेस में या आपके स्कैल्प में अगर आप इसे यूज करते हो, तो थोड़ा सा सेंसेशन देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे कोई और यूज ना करे। गाइज, ये थी मेरी सारी एडवाइस जो आपके बियर्ड को ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि ये मैंने यूज किया है, मेरे ऊपर काम किया है, तो मैंने सोचा चलो आपको ये बता देता हूँ। गाइज, ऐसे ही और हेल्पफुल ग्रूमिंग टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, टेक केयर।